तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। जो पहला चैप्टर था ना हमारा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला था, उसमें जो उसी का ही ये सेकेंड पार्ट है, उसकी पहली वीडियो बनाएंगे आज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, देखो सेम जितना था ना हमने इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था, जैसे एक्सियल इक्विटोरियल वगैरह वगैरह जितने पुराने टॉपिक्स हैं वो सब इसमें भी आएंगे, पर पोटेंशियल के साथ आएंगे, और कैपेसिटर्स एक इसमें नया टॉपिक आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो तुमने क्लास 10th में पोटेंशियल डिफरेंस तो पढ़ा होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क डन लगता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये तो सेम ही है, अभी भी सेम है, कोई रूल चेंज नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बस इलेक्ट्रिक में क्या है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बस इतना सा है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन से शुरू करें हम, तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग अ पॉइंट, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिखेंगे, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू फ्रॉम आएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अच्छा ये तो पुरानी डेफिनेशन है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे अभी। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में जितना वर्क डन लगता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिक, ये अगर तुम्हें पुराना याद है ना 10th का, तो बस इसमें बस कोई 5-6 अक्षर और जोड़ने और इसकी डेफिनेशन भी पूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक है ना, यहाँ पे बस क्या लिखेंगे हम, अगेंस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और साथ साथ विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, विदाउट एक्सेलरेशन। अब ठीक है, अच्छा देखो ये तो तुम्हें इतना तो समझ में आ गया कि एक पॉइंट चार्ज को इस जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क डन लगता है, पर किसके अगेंस्ट? उस टाइम तो किसी के अगेंस्ट नहीं करता, इस टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना हमारी, उसके अगेंस्ट ये काम करेंगे। ठीक है, वो भी फोर्स लगाएगी पर हम उसके अगेंस्ट लेके जाएंगे, तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले देखो समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा इसको। ठीक है, समझे, तो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले मान लो ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ की, ये सिंपल ये बना दी मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कि जिसकी डायरेक्शन है इस तरफ जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर को जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है हमारा, पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यहाँ पे। ठीक है, जिस पे चार्ज है क्यू क्यू नॉट मान लेते हैं, चार्ज है उस पे। ठीक है, तो उस पॉइंट पे चार्ज लगा हुआ है और साथ में जहाँ पे वो अभी है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी वन है। ठीक है, वी हमारा पोटेंशियल क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से शो करते थे क्लास 10th में, यहाँ पे भी वही होगा। तो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसका हमने चार्ज मान लिया क्यू क्यू नॉट, और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है अभी वी वन है। ठीक है, अब इसी चार्ज को हमें यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, सीन समझो कि वहाँ पे तो कुछ नहीं था, कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी जिसके अगेंस्ट हमें काम करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब इधर को आना है, ये इधर को धक्का देंगी। ठीक है, तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज को लेके आना है, इसी चार्ज को, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो बदलेगा यहाँ पे, ये मतलब यहाँ से यहाँ पे जो अंतर आएगा ना उसी को बताते हैं कि यहाँ पे पहले इतना पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं। अब सीन देखो यहाँ पे क्या है कि वर्क डन तो लगेगा, वर्क डन लगेगा यहाँ पे, जिसको हम लिखेंगे डब्ल्यू, और ई एक्स एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन ये तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे वर्क डन लगेगा, मैंने पहले ही बोला था, तो तुम्हें समझ में आ गया कि वर्क डन तो लगेगा, पर ये एक्सटर्नल क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें पहले से भी एक वर्क डन लगा हुआ था। देखो ध्यान से समझो, जब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे था पहले, ठीक है, ये यहाँ से वहाँ पे जा रहा है, क्लियर है, तो
एक्सटर्नल वर्क डन इसलिए लगा क्योंकि एक वर्क डन इससे पहले से लगा हुआ था, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना वर्क डन लगाए, अपना अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन लगाएगी कि नहीं आना, मतलब यहाँ से पूरी कोशिश करेगी ये यहाँ से वहाँ तक ना जा पाए, तो इस पॉइंट को एक एक्सटर्नल वर्क डन मतलब उससे भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है ताकि ये वहाँ से वहाँ तक चले जाए, तो ये वाला वर्क डन ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो पोटेंशियल वर्क डन, जो ऐसा वर्क डन हो जो इलेक्ट्रो ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के अगेंस्ट लगे, ठीक है, यहाँ पे इस फील्ड के अगेंस्ट लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग। ये दो पॉइंट के बीच में लगता है, जैसे कि हमने मान लो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में लेके आ गए, तो ये दो पॉइंट के बीच में लगता है हमेशा वर्क डन, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊँ तो वो होगा हमारे पास, देखो ये बहुत पॉइंट है ना, यहाँ पे बहुत माइनर होता है, बहुत छोटी सी चीज़ होता है, तो यहाँ पे हम डेल्टा लगाते हैं वी में, तो जो इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रो पोटेंशियल वर्क डन का वी, ठीक है, डेल्टा वी मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है कि बहुत दूर नहीं निकल गया, ये बहुत पास पास होते हैं ऐसे, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा लगाया। तो डेल्टा वी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन वही चार्ज, उस पर जितना भी चार्ज है और जितना वर्क डन लगा उनको डिवाइड कर देंगे हम लोग आपस में, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे लगा, ठीक है। और इसी का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है वी टू माइनस वी वन, यानी कि इससे इसमें क्या चेंज आया वो सेम यही फॉर्मूला हमारे पास, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये मतलब क्या है इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस, वो असल में यही तो है कि वी टू में से वी वन, मतलब ये जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस आया पहले क्या था उसे माइनस करेंगे तो वही होगा ना कि इतने इतने में चेंज आया है, चेंज इन वर्क डन, तो वो ये है, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हें देखो ये समझा दिया अच्छे से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन क्या होता है, एक बार बस इसको देख के दोबारा बता देता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो वर्क डन लगता है बट किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे करके यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, विदाउट एक्सेलरेशन का क्या सीन है यहाँ पे, ये भी है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन नहीं लगती, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि घर में तुम्हें मम्मी ने मारा अब फुल रोने का मन कर रहा है, फिर क्या बोलते हैं कि रोना भी नहीं है मतलब यहाँ से वहाँ जाना है पर एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक, दैट्स इट।